भारतीय किसान यूनियन चढ़ूनी के प्रदेश अध्यक्ष राधेश्याम मीणा के नेतृत्व में किसानों ने कलेक्ट्रेट शिवपुर में प्रदर्शन करके कलेक्टर के नाम पर प्रशासन को ज्ञापन दिया। किसान नेता राधेश्याम मीणा ने जानकारी देते हुए बताया कि चंबल दाहिनी मुख्य नहर शिवपुर जिलों के किसानों की जीवन रेखा है। किसानों की मांग पर धान की फसल की सिंचाई हेतु कोटा बैराज से चंबल नहर में जो पानी छोड़ा जा रहा है, फसल की सिंचाई के लिए पानी की मात्रा पर्याप्त नहीं है। साथ ही कहा कि यदि यह पानी पर्याप्त मात्रा में नहीं छोड़ा गया तो क्षेत्र के किसान उग्र आंदोलन करेंगे। पर प्रदर्शन करके प्रशासन को ज्ञापन दिया। किसानों की मांग पर किसान आंदोलन बाद में धान की फसल की सिंचाई करने के लिए जो इस समय बहुत आवश्यक है, कोटा बैराज प्रबंधन ने चंबल नहर में 1000 क्यूसेक पानी छोड़ा है, वो पानी पर्याप्त नहीं है सिंचाई करने के लिए। 1000 क्यूसेक पानी में नहर पर्याप्त मात्रा में नहीं चल पा रही है। छोड़ों में जो मुख्य नहर की उपशाखा है, डिस्ट्रीब्यूटरिया है, उनमें पानी सुचारू रूप से प्रवाहित नहीं हो पाएगा। टेल पोर्शन तक के किसान तक पानी नहीं जाएगा, वो अपने धान की फसल की अन्य फसलों की सिंचाई नहीं कर पाएगा। इसीलिए चमनार में 1000 क्यूसेक से बढ़ाकर लगभग 3000 क्यूसेक पानी छोड़ा अति आवश्यक है, तब जाके क्षेत्र का किसान धान की सुचारू रूप से सिंचाई कर पाएगा। इस समय किसान बहुत सट के दौर से गुजर रहा है, बिजली का अत्यधिक अभाव है, एक फीडर और चल रहे हैं। अगर नहर में पानी पर्याप्त मात्रा में आता है तो जिले में बिजली का भी समाधान होगा और किसान भी अपनी धान की फसल की रूप से सिंचाई कर पाएगा। सर, क्या नाम है आपका? मैं बंटी जाटव, भीम आर्मी जिलाध्यक्ष श्योपुर। काय के लिए आए आज कलेक्टर में? आज जिस तरीके से जिले के अंदर जिस तरीके किसान लोग परेशान हो रहे हैं, उसकी पीड़ा को आप लोग देख सकते हैं। किसान इस देश का अन्नदाता है। अगर अन्नदाता के साथ अगर इस तरीके की घटना, पीड़ा, बिजली नहीं दी जाएगी, पानी नहीं छोड़ा जाएगा, तो भीम आर्मी और किसानों के संग लेकर हम बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे, जिसकी जिम्मेदारी शासन की होगी।